क्या करेंगे, हम बात करेंगे है ना टॉपिक के ऊपर, वही कॉन्टेक्स्ट क्या है या संदर्भ क्या है काम का, है ना, व्हाट इज एम या पर्पस बिहाइंड डूइंग एनी वर्क। तो बताइए कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अपने जीवन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबको लगता है ना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना भाई प्रॉब्लम बोलो तकलीफ है, बराबर है। मगर आपको बताऊं मैं, प्रॉब्लम वो लोगों को नहीं है कि जो लोग शमशान में जाके सोए हुए क्योंकि जो जिंदा है उसको प्रॉब्लम रहने वाली है, उसको प्रॉब्लम तो रहने वाली, एक प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, तीसरा हुआ तो चौथा, प्रॉब्लम तो रहेंगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम रहेंगी नहीं करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मत ढूंढो, सोल्यूशन ढूंढ लिया तो फिर और नया प्रॉब्लम आता, फिर सोल्यूशन लिया तो नया प्रॉब्लम आता, फिर क्या करना चाहिए, फिर हमने ऐसा करना चाहिए कि भाई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करो, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करो। और बड़ा प्रॉब्लम मतलब कैसा, जैसा मैं महात्मा गांधी का एग्जांपल हरदम देता हूँ, तो उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम थे घर में, कस्तूरबा से पट्टी नहीं, गरम चाय दिया नहीं, गरम गरम नाश्ता दिया नहीं, कपड़े बराबर प्रेस करके दे रखे नहीं, प्रॉब्लम सोच के आपको भी प्रॉब्लम होंगे ऐसे, है ना, कि घर में ऐसा बराबर नहीं, सब काम खराब हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया गांधी जी ने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। बड़ा प्रॉब्लम कौन सा, बोले इंडिया शैल बी फ्री है ना, बड़ा गोल, बड़ा एम क्रिएट कर लिया। तो छोटे छोटे ना, फिर चाय गर्म नहीं दिया और कपड़े प्रेस नहीं किए और फिर टाइम टू टाइम खाना नहीं दिया, खाना गर्म नहीं खिलाया, वो सब छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए कि वो कोई मायने रखे नहीं, इतने छोटे हो गए उन्हें कपड़े पहनने छोड़ दिया, लुंगी पे आ गए, धोती पे आ गए है ना। तो बिग प्रॉब्लम क्रिएट करो, है ना। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, अपन जो काम कर रहे हैं ना उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ। कोई भी बिग प्रॉब्लम कि भाई इंडिया शैल बी फ्री बाय नॉन वायलेंस, ये कॉन्टेक्स्ट है काम करने का, ये संदर्भ है काम करने का, है ना, कि इंडिया वाला, इंडिया को स्वतंत्र, भारत देश को स्वतंत्र मिलना चाहिए और वो अहिंसा के माध्यम से मिलना चाहिए, ये संदर्भ है काम करने का। और वो निर्णायक होता है, जो भी आप काम करते हैं वो काम क्यों करते हो, करने का उद्देश्य क्या है, बस उसके ऊपर तो पूरा खेल। और 95% या 99% को लोगों को पूछा कि आप काम पे क्यों जाते हो, तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ रोजी कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए, है ना, पैसा कमाने जाते हो। तो वो संदर्भ नहीं होता है पैसा कमाने का, पैसा मिलेगा, पैसा मिलाना या पैसा मिलना ये आउटकम है, काम आप जो करते हो उसका क्या आउटकम है, पैसा मिलाने का। पैसा मिलाना काम थोड़ी है, पैसा मिलाना ये काम नहीं है, आप कुछ तो भी काम करते हैं इसलिए आपको पैसा मिलता है। तो काम क्या करते हैं आप, काम क्यों करते हैं, काम काहे के लिए करते हैं, पैसा तो आउटकम है, पैसा तो रिजल्ट है काम करने का, काम क्यों करते हैं। तो वो क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, उसको बोलते संदर्भ, है ना। बच्चों को हम बोलते हैं पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, हम बोलते पढ़ाई कर, बोलते नहीं करता, उसके पीछे लगना पड़ता, मारठोक करना पड़ता, टीवी मत देख, टीवी मत देख, टीवी मत देख, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, हम पढ़ाई कर ऐसा बच्चों को बोलते हैं, मगर पढ़ाई क्यों कर वो नहीं बोलते। यदि आप उनके साथ में, बच्चे के साथ में बैठे और बोले भाई पढ़ाई क्यों करना चाहिए, तो बोले मालूम नहीं, उसको बोला ठीक है तुमको क्या अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए आगे जाके, बढ़ाओ के क्या करना चाहिए, बोलते हैं मेरे को कैप्टन होना है, मिलिट्री में जाना है, या पायलट होने का है, या पुलिस ऑफिसर बनने का है, या डांस करने का है, या गाना गाने का है, जो भी वो बोलता है वो, तो उसको वो खोदना पड़ता है कि उसको करना क्या है, उसको लाइकिंग क्या है। अब उसको जो करना है वो यदि हमने जोड़ दिया पढ़ाई के साथ में, जो भी उसको आगे जाके करना है वो जोड़ दिया पढ़ाई के साथ में, तो ये तो बोलता है कि मिलिट्री में जाने का है या पायलट बनने का है। अच्छा बोल पायलट कैसा बनेगा, पायलट कैसा बनेगा मालूम है, बोले ट्रेनिंग लगेगी। अच्छा ट्रेनिंग कहाँ मिलती है ये, बोले इंस्टीट्यूट में मिलती है। अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे मिलती है, बोले उसके लिए ग्रेजुएशन लगता है। फिर सादा ग्रेजुएट होकर चलेगा क्या, थर्ड क्लास में पास होकर, नहीं अच्छे मार्क मिलाना पड़ेगा। यदि पायलट होना है तो अच्छे मार्क मिलाने पड़ेंगे, उसके लिए क्या करता, उसके लिए पढ़ाई लगेगी।
तो उसको इंटरेस्ट आएगा। मैं सातवीं क्लास में था तब मुझे मेरे नाना जी थे वो बोलते थे डॉक्टर बन, डॉक्टर बन। उन्होंने तब से मेरे दिमाग में डाल दिया डॉक्टर बन, डॉक्टर बन। तो सातवीं क्लास में मेरा क्लियर था कि मेरे को डॉक्टर बनने का है। और फिर मालूम पड़ा डॉक्टर बनने का तो नागपुर जाना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ मालूम नहीं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर कैसे बनना। वो दिमाग में आ गया डॉक्टर बन। फिर मैंने खोदना चालू किया कि डॉक्टर कैसे बन। हमारे घर में पिछले 7 पीढ़ियों में कोई डॉक्टर नहीं था। फिर पूछा बोले उसके लिए इंग्लिश मीडियम में जाना पड़ता। बोले बोले इंग्लिश मीडियम कहाँ है, जो स्कूल में पढ़ रहे वहाँ तो इंग्लिश मीडियम नहीं है। फिर बाहर में काम में लग गया। फिर बोले वो न्यूरा हाई स्कूल है अकोला में, वहाँ सेम इंग्लिश मीडियम है। वहाँ उस समय वो जमाने में एडमिशन मिलती नहीं थी, तो वहाँ हमने एडमिशन लिया कि सेम इंग्लिश मीडियम है। फिर वो बोले कि नहीं नहीं यदि मेडिकल में जाने का है तो 10th क्लास में फर्स्ट क्लास आने को पड़ता है 60% मार्क। वो जमाने में 60% ने बहुत हो गए, 60% मार्क मिले तो 1% बढ़ता है मेडिकल के। मतलब ऐसा भी करके अपने को 60% तो होने, कोई भी हालत में 60% मिलना चाहिए ताकि अपना 1% बढ़े। मतलब क्या हो गया, एक बार वो फिक्स हो गया गोल की डॉक्टर बनने का है, अपनी पूरी एक्शन फिर वो हिसाब से होती है। मुझे कभी बोलना ही नहीं पड़ा कि पढ़ाई कर, मेरे को उल्टा बोलना पड़ता था कि पढ़ाई मत कर, अभी कितना पढ़ाई करेंगे। बोल नहीं मेरे को पढ़ाई करना पड़ेगा। और 10th क्लास में एग्जाम थी एनुअल की, मेरे को हाई ग्रेड फीवर था, डॉक्टर ने बोला जाने का नहीं एग्जाम में। मतलब मैं गया नहीं तो अटेम्प्ट लग जाए, अटेम्प्ट लगा कि 1% मार्क कम हो जाएगा, और मैं बैठा तो 1% ज़्यादा मिलता, मतलब टोटल 2% का फर्क पड़ गया। मतलब मेरी एडमिशन तो चली गई, मेरे को तो जाना है। और बुखार में जाके पेपर दिए, क्योंकि मंदिर वहीं बनाएंगे गोल पक्का है ना, कि वो करने का है। फिर एक्शन आप आ जाती है, तो संदर्भ क्यों करने का है। हम बच्चे को क्या बोलते हैं, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, व्हेन टू डू, सुबह उठना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। व्हाट टू डू, पढ़ाई करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स करो। हाउ टू डू, या ऐसा ऐसा कर, ये मेथड है, इस तरह से पढ़ाई कर, ऐसा बोल। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, कहाँ पढ़ाई करना चाहिए। नहीं, एक कमरे में जाके पढ़ाई करना चाहिए, खिड़की के पास में मत बैठ, तेरा ख्याल बाहर जाएगा। हाउ टू डू, मोबाइल वोबाइल मत रख, टीवी मत देख, हाउ टू डू। सो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, विद होम टू डू, ये सब बता दे। व्हाई टू डू ये नहीं बता दे। तो ऐसे आपका जो धंधा है, आपका जो बिजनेस करना है, तो आप लिख लो, आपको व्हाई टू डू ये अभी लिखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ कि डेयरी निकाल। Thank you.